स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन SDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास UKG का मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को मैथ में जितने भी चैप्टर थे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आज से हम लोग इन सारे चैप्टरों का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो मेन मेन टॉपिक है मैं उन टॉपिक को आप लोगों को दोबारा से रिपीट कराऊँगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है साइज। ठीक है, क्या है साइज? जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं साइज के बारे में, साइज मतलब होता है आकार, कौन सा आकार बड़ा है और कौन सा आकार छोटा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइज के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए बिग दिया हुआ है एंड स्मॉल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? बिग दिया है एंड स्मॉल दिया है। तो बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है, और स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, कौन सी वस्तु छोटी है, कौन सी वस्तु उससे छोटी है, कौन सी वस्तु सबसे छोटी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है बिग बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। बिग मीन्स होता है बड़ा, बिगर मीन्स होता है उससे बड़ा, फिर बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिग है तो बिग का एक थर्ड तीन तीन फॉर्म होते हैं, इसके थर्ड फॉर्म होते हैं बिग बिगर बिगेस्ट, जो आप लोगों को बड़ी कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग इतना जानिए कि बिग मीन्स बड़ा होता है, बिगर मीन्स उससे बड़ा होता है, और बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम बिग के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स उससे बड़ा, और बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताया गया है कि आप लोग देख रहे हैं एक क्या है, एक पक्षी है। ठीक है, यहाँ इस जैसे लग एक गौरैया है, ठीक है, पक्षी है जो भी आप कह रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो दो पक्षियाँ दी हुई हैं यहाँ पे वह क्या है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी यह है और इससे बड़ा यह है। ठीक है, जो बगुला है सबसे बड़ा है, फिर इस जो यह पक्षी है इस पक्षी से बड़ा यह पक्षी है, और इस सबसे बड़ा यह पक्षी है। ठीक है, तो क्या है आपका यह बिग बिगर बिगेस्ट। जो गौरैया है वह आपका बिग है, और जो ठीक है, और ये जो बर्ड है यह क्या है, इस बर्ड से बड़ी है, फिर ये जो है इन दोनों से क्या है, बड़ा है। तो बिग बिगर बिगेस्ट, समझ में आया आप लोगों को? बिग क्या है, बड़ा है, लेकिन बिगर क्या है, उससे भी बड़ा है, और बिगेस्ट क्या है, इन दोनों से भी क्या है, बड़ा है। तो समझ में आया आप लोगों को बिग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है स्मॉल। स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा। जैसे कि बिग में हमने यह जाना कि बिग मीन्स बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। स्मॉल में हम यह जानेंगे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए स्मॉल यहाँ पे बटरफ्लाई जो दिख रही है क्या स्मॉल है, छोटा है, और यहाँ पे जो स्नेल दिख रहा है वह क्या स्मॉलर है, जो क्या है बटरफ्लाई से छोटा है। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा होता है। तो स्मॉल क्या है, बटरफ्लाई जो है वह स्मॉल है, परंतु जो स्नेल है वह क्या स्मॉलर है, क्योंकि बटरफ्लाई से छोटा क्या स्नेल है, और यह जो है, लेकिन ये जो लेडी बर्ड है वह क्या इन दोनों से भी छोटा है, तो वह क्या स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटा रहेगा उसको हम लोग स्मॉलेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा उसको हम लोग स्मॉलर कहेंगे, और जो उससे बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल कहेंगे। ठीक है, तो यह क्या है, बटरफ्लाई स्मॉल है, और स्नेल क्या है स्मॉलर है, और लेडी बर्ड क्या है स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये लेडी बर्ड जो है इन दोनों से क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, स्मॉलेस्ट कहा। तो आप लोगों को बिग और स्मॉल के बारे में समझ में आ गया। हम देखिए बिग बिगर बिगेस्ट मतलब बिग बड़े वस्तु के लिए, बिगर उससे बड़ी वस्तु के लिए, बिगेस्ट मीन सबसे बड़ी वस्तु के लिए। ठीक, इसी तरह से स्मॉल है, स्मॉल में छोटा वस्तु, अगर उससे छोटी वस्तु है तो स्मॉलर, और उससे सबसे छोटी वस्तु है तो स्मॉलेस्ट हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज आप लोगों ने साइज जो हमारा टॉपिक था आप लोगों ने उसके दो रिपीट किया। आई होप आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा बिग एंड स्मॉल। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।